हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है आज के इस श्रीमद् भागवतम के सत्र में। पहले अध्याय जिसका पहला स्कंद, प्रथम स्कंद भागवत संदेश, सृष्टि, उसका दूसरा अध्याय दिव्यता तथा दिव्य सेवा, उसका 14वां श्लोक, उस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम प्रारंभ करें, एक निवेदन है, सभी लोग अपने मोबाइल फोन को आप साइलेंट कर लीजिए प्लीज, हाँ, साइलेंट, स्विच ऑफ, जो भी करना है, बीच में रिंग ना करें। हाँ, तो बोलिए मेरे पीछे, एक एक शब्द मैं बोलूंगा, आप दोहराइएगा। तस्मात् एकेन मनसा भगवान् सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा शब्दार्थ तस्मात् अतः एकेन एक एकाग्र मनसा मन के ध्यान द्वारा भगवान सात्वताम भक्तों के पति ही रक्षक श्रोतव्यः सुनने योग्य कीर्तितव्यः गुणगान के योग्य च तथा ध्येयः स्मरण करने योग्य पूज्यः पूजनीय च तथा नित्यदा निरंतर। अनुवाद एवं तात्पर्य, कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद, अतएव मनुष्य को एकाग्र चित्त से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण, कीर्तन
स्मरण तथा पूजन करना चाहिए जो भक्तों के रक्षक हैं। कृपया दोहराएं, अतएव मनुष्य को एकाग्र चित्त से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण तथा पूजन करना चाहिए जो भक्तों के रक्षक हैं। तात्पर्य, यदि परम सत्य का साक्षात्कार ही जीवन का चरम लक्ष्य है तो इसे हर संभव साधन से अवश्य करना चाहिए। उपर्युक्त वर्णों तथा आश्रमों में से हर एक में गुणगान श्रवण स्मरण तथा पूजन, ये चार विधियां सामान्य वृत्तियां हैं। इन जीवन सिद्धांतों के बिना कोई रह नहीं सकता। जीवों के कार्यकलाप जीवन के इन्हीं चार विभिन्न सिद्धांतों में व्यस्त रहने में निहित हैं। विशेष रूप से आधुनिक समाज में तो मुख्यतया सारे कार्यक्रम श्रवण तथा कीर्तन पर ही मुख्यतया आधारित हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे उसकी सामाजिक हैसियत कैसी भी क्यों ना हो, वह कुछ ही काल में विख्यात हो जाता है यदि दैनिक समाचार पत्र उसका गुणगान करते हों, चाहे ये गुणगान झूठे हों या सच। कभी कभी किसी दल विशेष के राजनीतिक नेताओं का विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रसारित होता है और ऐसे गुणगान की विधि से एक नगण्य व्यक्ति भी अल्प समय में महत्वपूर्ण बन जाता है। किंतु अयोग्य व्यक्ति के ऐसे झूठे प्रचार से ना तो उस व्यक्ति का लाभ होता है ना समाज का। भले ही ऐसे प्रचार की क्षणिक प्रतिक्रिया हो ले किंतु इसका प्रभाव स्थायी नहीं होता। अतः ऐसे कार्य समय का अपव्यय है। गुणगान तो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का करना चाहिए जिन्होंने हमारे सामने प्रकट होने वाली प्रत्येक वस्तु की सृष्टि की। हम इसकी विस्तृत व्याख्या भागवत के जन्माद्यश्य वाले प्रथम श्लोक के आरंभ में ही कर चुके हैं। अन्यों का गुणगान करने या अन्यों के विषय में सुनने की प्रवृत्ति को गुणगान के वास्तविक लक्ष्य परमेश्वर की ओर मोड़ना चाहिए, इससे सुख उपजेगा। प्रकार भक्ति का तात्पर्यपूर्ण होता है। मम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज का जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, ये आप मान के चलिए कि अगर इसको हमने समझ लिया तो हमें सारे शास्त्रों का निष्कर्ष समझ में आ गया। अगर कोई बोले कि चार वेद, चार उपवेद, 18 पुराण उपपुराण, 108 उपनिषद, संहिताएं, इतिहास, रामायण, महाभारत, वेदांत सूत्र सबको पढ़ के अगर एक श्लोक में बताएं कि करना क्या है, ये करना है बस, सारे शास्त्रों का सार है ये श्लोक। तस्मात, इसलिए क्या वर्ड, क्या शब्द आया है, तस्मात मतलब अतः, अतः मतलब इसलिए,
तो इसलिए शब्द कब आता है? जब कुछ बताया गया हो, एक बहुत बड़ी स्टोरी सुनाई, कुछ बताया, फिर एंड में बोलते हैं इसलिए, करेक्ट, अतः। तो अब तक बहुत कुछ बताया जा चुका है 13 श्लोकों में कि जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान की भक्ति करना। हाँ, आप पाएंगे जो श्लोक संख्या 6 है वहां से ये एक सीरीज है, पूरी एक श्रृंखला चल रही है श्लोकों की, और उसमें जो सूत गोस्वामी हैं श्लोक संख्या 6 से जो शौनक इत्यादि ऋषियों ने प्रश्न किए हैं उन प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। वो कहते हैं सबई पुंसान परो धर्मो यदो भक्ति रजोक्षजे, अदोक्षज कृष्ण, उनकी भक्ति करना क्या है, वो पर धर्म है, हाईएस्ट टॉप मोस्ट जो रिलीजन वो क्या है, भगवान की भक्ति करना। कैसी भक्ति? अहेतुकी अप्रतिहता, कोई हेतु नहीं होना चाहिए, कोई भौतिक प्रलोभन नहीं होना चाहिए, बिना किसी भौतिक इच्छा के, वितृष्णया, तृष्णा नहीं होनी चाहिए। हाँ, हृदय में या तो कृष्णा रहेंगे या तृष्णा रहेगी। हम लोग भक्ति करते करते हमें सालों निकल जाते हैं, फिर भी कहते हैं प्रभु जी पता नहीं अभी भी, मतलब लगता है कि प्रोग्रेस भी की है। क्यों? शास्त्र कहते हैं क्या ऐसी भक्ति होनी चाहिए, वितृष्णया, तो हृदय में अगर तृष्णा है हमारे, समझते, तृष्णा किसे बोलते हैं, भौतिक इच्छाएं, बड़ा मकान बना लें, बहुत कपड़े खरीद लें, कार खरीद लें, बड़ा हमारा नाम हो जाए, ये होता है। भक्त लोग भक्ति में प्रोग्रेस क्यों नहीं करते हैं? भागवतम उसका आंसर एक वर्ड में देती है, क्योंकि एक तरफ तो हम भक्ति करते हैं और दूसरी तरफ हम भौतिक इच्छाओं को ही मेंटेन रखते हैं, छोड़ते नहीं है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर महाराज, श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज हैं, उन्होंने कई कहानियां सुनाई, हाँ, बहुत अच्छी अच्छी, उनका नाम दिया उपाख्यान उपदेश, पूरी एक पुस्तक है, आपको गूगल प्ले स्टोर पर ही मिल जाएगा, उपाख्यान उपदेश, कृपया आप पढ़िएगा सभी उनको। हाँ, ये एप्लीकेशन भी है एक, उसमें से एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको कि क्यों हम भक्ति में प्रयास करने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पाते। तो बताते हैं कि एक बार पुराने जमाने में शादी थी, तो उस शादी में बारात लेके सब लोग निकले, धूमधाम से नाचते गाते बाराती लोग, तो एक गांव से दूसरे गांव जाना था, तो उस जमाने में ऐसे पुल वगैरह नहीं हुआ करते नदी के ऊपर, गांव नदी के उस पार था, तो पहले से ही बोट को बुक कर रखा था, नाव को, सब लोग नाव में बैठ गए। अब भाई इतना डांस किया है, थक गए ना, और नाव वाले ने बोला हाँ बैठ जाइए और पहुंच जाएंगे हम लोग थोड़े ही कुछ घंटों में, मैं आपको वहां उतार दूंगा, आप बैठिए आराम से। वैसे भी शाम का टाइम हो गया था, अंधेरा हो गया था, तो वो लोग बैठ गए उसमें, और नाव वाला नाव को चला रहा है वो, हाँ, वो जो उसका पैडल होता है ना, चप्पू चलाना, बस वो तो उसको चला रहा है लगातार, और लोगों को नींद आ गई। तो एक सज्जन की नींद खुली बीच में, तो नाव वाले से बोला पहुंच गए क्या? बोले हाँ जी चल रही है नाव। तो उसने थोड़ा देखा कि ऐसे कैसी नाव चल रही है, इतना टाइम हो गया, उसने नजर घुमाई देखा, अरे हम तो वहीं के वहीं पर हैं जहां पर बैठे थे, ये नाव तो एक इंच आगे नहीं बढ़ी है। तो उसने डांटा, अरे बेवकूफ क्या नाव चल रही है, हम तो वहीं पर हैं। बोले साहब जी ऐसा कि हाँ? बोले मैं तो तब से, उसने बोला कि अरे तुम भी सो गए क्या हमारे साथ में? बोले नहीं नहीं मैं नहीं सोया हूं, मैं तो लगातार क्या कर रहा हूं, मैं तो लगातार नाव चलाने का मैं तो कर रहा हूं काम। तो फिर उस व्यक्ति ने थोड़ा नजर घुमाई, क्या प्रॉब्लम है? तो उसने पाया कि वो जो रस्सी थी ना जिससे नाव बंधी हुई थी, करेक्ट, एंकर, वो जो खूंटा होता है
एंकर उससे ना बनी हुई बांधते हैं ना, ताकि वो वहां पर स्थिर रहे। उसने खोला ही नहीं उसको, उसने उसको खोला ही नहीं, और नाव चला रहा है प्रयास दिन रात। ऐसे ही हमारा है, हम भक्ति करते हैं लेकिन लेकिन भौतिक इच्छाओं का जो एंकर है ना, रस्सी खोलनी है ना, वो खोलते नहीं है, है कि नहीं? करेक्ट ना? कुछ भी कर ले लेकिन फिर भी वो भौतिक इच्छाएं, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा कार, अच्छा ये, हम ठीक है प्रभु जी भक्ति चलनी चाहिए, लेकिन भौतिक संसार भी तो ना देखिए, हम तो सांसारिक जीव हैं, छोड़ते नहीं, ये सत्य है। हम अपने अपने मन को टटोलें एक बार, कितनी भौतिक इच्छाएं हम सभी के अंदर। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए शिक्षाष्टकम में श्लोक बताया इसके लिए, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवताद भक्त रहे तो की त्वयी। न धनम, कई बार भक्त लोग भक्ति में आ जाते हैं, हम समझाते हैं कई बार जिंदगी को चलाने के लिए रुपया चाहिए, मना नहीं करते, चाहिए रुपया, एक घर भी चाहिए रहने को, ठीक है आप परिवार में परिवार भी चाहिए, पर उतना चाहिए जिससे कि जीवन का निर्वाह हो सके। करेक्ट, मैं ये एग्जांपल कई बार देता हूं कि जहाज है, शिप को आगे बढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए? पानी चाहिए। करेक्ट ना? पर्याप्त पानी चाहिए ताकि वो उसमें फ्लोट हो सके, तैर सके उसमें, और वो पानी ही उसको बॉयंसी फोर्स देता है। करेक्ट, जो थर्स्ट फोर्स है ना आगे बढ़ने का, कौन देता है? पानी चलाता है ना उसको। अगर कितना भी अच्छा जहाज हो, उसमें फर्स्ट क्लास इंजन लगे हो, सड़क पे लेंगे चलेगा वो? नहीं चलेगा ना। तो पानी चलाता है उसको, इफेक्ट है। तो ये शिप सोचता है कि अरे ये पानी कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो उसको बोलता है भाई तू बाहर क्यों है, तू अंदर आ जाना। करेक्ट ना? क्योंकि तेरे कारण ही तो चल रहा हूं मैं, तो बाहर क्यों है, अंदर आ जा मेरे। वैसे ही माना जिंदगी, अगर पानी अंदर आ जाएगा जहाज के तो क्या हो जाएगा? डूब जाएगा ना। तो जिंदगी चलाने रुपया चाहिए, मित्र चाहिए, रिश्तेदार चाहिए, लेकिन कहाँ चाहिए? बाहर चाहिए, उनको बाहर रखना है। जब अंदर ले आते हैं ना उसको, अरे हाय पैसा करे, पूरी दुनिया है ना, ये तो भाग रहे हैं लोग। अंदर ले आते हैं तो क्या होता है, फिर हम डूबना स्टार्ट कर देते हैं। सब डूब ही रहे हैं, देखिए कितने से लोग मंदिर आते हैं। करेक्ट ना? मुट्ठी भर लोग, मैं तो डेली क्लास लेता हूँ इवनिंग में, 25-30 लोग शाम के समय, सब व्यस्त हैं, सबको उनको लगता है यही परमानेंट है, बस और चाहिए और चाहिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, यदि हमें भगवत भक्ति करनी है तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, वो क्या है कि जो हमारी तृष्णाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनको हमको वॉलेंटरीली कंट्रोल करना है। इसलिए प्रभुपाद जी ने यहां पर भी क्या बोला, आज के जमाने में फेमस होना बहुत आसान है। करेक्ट, क्योंकि उस जमाने में तो न्यूज़पेपर्स वगैरह में कोई व्यक्ति को बार बार उसका एड आना चाहिए, उसकी न्यूज आनी चाहिए। आजकल तो आप अपना अकाउंट बना लो एक, कैसे भी करके कुछ भी आप ऊट पटांग कुछ भी बोलो लिखो, करेक्ट, आपको फॉलोअर मिल ही जाएंगे। तो इस दुनिया में फेमस होने का प्रयास नहीं करना है, कोई फायदा नहीं है। संसार जो है वो जेल की तरह है, अगर जेल में एक कैदी कैदी नंबर वन बन जाए, सबसे फेमस कैदी बन जाए, कोई फायदा है क्या? तो इस भौतिक यश का, कीर्ति का, पॉपुलैरिटी का कोई फायदा नहीं है। इसलिए जब हम भक्ति में आते हैं तो कई बार ऐसा होता है, हम लोग कई बार पॉपुलर भक्त बनना चाहते हैं, लोग जानने चाहिए मेरे को, मैं बड़ा भक्त हूं। नहीं, शुड बी वर्किंग हार्ड फॉर प्योरिटी, नॉट पॉपुलैरिटी।
माया को, माया जो है वो हर जगह पकड़ लेती है, भक्ति में आने के बाद भी चाहे आप पूर्ण कालिक हो तब भी पकड़ लेती है माया। तो क्या बोला उन्होंने, जन्म, जन्म मतलब ही फॉलोअर्स। तो हमें अपने आप को पॉपुलर करने का प्रयास नहीं करना है, हमें किसको पॉपुलर करना है, गुरु एंड कृष्णा, ये हमें करना, अपने आप को नहीं। हम सेलिब्रिटी डिवोटी बन गए साहब, हमारा यूट्यूब पे इतना व्यू है, इंस्टाग्राम पे हमारे इतने फॉलोअर हैं। देखिए बिना प्रयास किया है वो कृष्ण की कृपा है भाई। खुद से व्यक्ति को अलग से कुछ प्रयास नहीं करना चाहिए, यही तो कुछ नूतन करो, कुछ नया बोलता हूं मैं, कुछ नए तरीके से बताता हूं, कुछ लोगों का से हंसाता हूं, नहीं, ये सब भक्त का काम नहीं है। विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज, कोई कॉम्प्रोमाइज किए बिना जो आचार्यों ने दिया है संदेश उसको डिलीवर करना। यदि हम कृष्ण के संदेश को आचार्यों के तरीके से जैसे उन्होंने बताया है वैसे यदि हम नहीं सुनाते हैं लोगों को तो हम जीव हिंसा कर रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य है, कई बार लोग भक्त का वेश तो पहन लेते हैं लेकिन वो वास्तविक आध्यात्मिक चर्चा नहीं करते। कुछ इधर का जोक सुना दिया, कुछ उधर की बातें कर दी, कुछ कटिंग, जो भागवत संदेश सुनाते ही नहीं, शेयर केयर बी गुड। अरे भाई इससे कुछ नहीं होने वाला है, मोरल तो कुत्ता भी होता है, करेक्ट। डॉग को बोलो टॉमी कम हेयर सिट डाउन वेव द टेल, सब करेगा डॉग भी। देर इज नो यूज ऑफ मोरलिटी विदाउट स्पिरिचुअलिटी, कोई फायदा नहीं है। तो ये जो जितनी भी मोरल अच्छी अच्छी बातें लोग करते हैं, अच्छा कुछ बताएंगे मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल, वो काम नहीं करता है। इट्स लाइक ब्लोइंग द बॉइल, अगर फोड़ा हो गया है हाथ पे तो करेक्ट, आपके दो तीन फ्रेंड्स ने आपको ऐसे किया, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? हाँ कितना अच्छा फ्रेंड, देखो कितनी मेरे को राहत मिली है, बट वो आपके असली फ्रेंड्स नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बोलेगा अच्छा हाथ दो, आपका हाथ दिया, बोले उधर देखो, बोले क्यों, थोड़ा देखो तो सही, एक चाकू निकाला और चीरा लगा दिया इसके ऊपर। हम चिल्ला रहे हैं कितना निर्दयी आदमी है ये, कितना क्रूएल है ये आदमी, हाँ इसको दया भी नहीं आती है, ऑलरेडी मेरे हाथ में क्या है, घाव हो रखा है और इसने क्या कर दिया, उसमें कट लगा दिया। अरे उसे पता है, इसे पस पड़ गया है भाई, वो पस बाहर निकलेगा जब क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑपरेट करेंगे। जब हम किसी को भक्त मतलब क्या करना चाहिए, उसे इस प्रकार से हेल्प करनी चाहिए, नॉट लाइक ब्लोइंग द बॉइल, सम मोटिवेशन सम इंस्पिरेशन, वो कुछ काम नहीं आने वाला है। सो तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति, ये है मानव जीवन, यहां तक हमें पहुंचना है भक्ति में। एकेन मनसा, एकाग्र चित्त होकर भगवान जो कौन है, भक्तों के रक्षक हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, असली पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, नकली वाले नहीं। आजकल नकली भी आ गए हैं बहुत सारे, हैं कि नहीं, कोई भी आदमी को सामने बिठा के लगा दिया साइन बोर्ड पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान फलाने ढिकाने, नहीं है? चल रहा है ना, हाँ इस दुनिया में इतना फ्रॉड चल रहा है, किसी भी आदमी के आगे भगवान लगा देते हैं लोग, नए नए ट्रेंड वाले भगवान आ रहे हैं, वेरी बिग मिसफॉर्च्यून। लोग किसी को भी भगवान मान लेते हैं आज, बोले ये हमारे भगवान है साहब, ये हमारे बाबा जी हमारे भगवान बन गए। क्या करते, बोले चिलम पीते थे साहब ये इन्होंने क्या सिखाया कि आप चिलम पीजिए, ये मीट भी खाते थे, लेकिन भगवान है ये तो, बिग मिसफॉर्च्यून। तो लोगों को कॉमन सेंस नहीं है कि भगवान किसको माने, और आप विरोध करेंगे तो लड़ने को उतारो। अरे आपने विरोध कैसे कर दिया, बुराई कैसे कर दी आपने, उनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं। यहां बताया गया भगवान कौन है, ये भागवत में बताया गया है, कृष्ण विष्णु नारायण। यहां तक कि भगवान शिव
और भगवान ब्रह्मा, भगवान शब्द जो है उनके आगे एक्चुअली में भगवान का एक मतलब होता है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, मतलब कि पूर्ण पुरुषोत्तम। कई बार शास्त्रों ने शिव जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, इनके आगे भगवान शब्द लगाया है, लेकिन वहां पर क्यों लगाया है? महान व्यक्तित्व के कारण। इंद्र पद्म पुराण तो कहता है कि यस्तु नारायणो देवो ब्रह्मरुद्राय देवतै समत्वेनैव वीक्षेता सा पाषंडी भवे ध्रुवम्। जो ब्रह्म रुद्र मतलब ब्रह्मा जी और शिव जी को बोलता है कि भाई ये भी किसके बराबर हैं? ये भी भगवान के बराबर हैं, नारायण के बराबर, उसको पाषंडी बोला गया है। अब बताइए कलयुग में ऐसे ऐसे पाषंडी हैं जिन्होंने बोल दिया कि नहीं ये नारायण के बराबर नहीं है, तो नारायण के भी स्वामी हैं, नारायण के ही मालिक हैं। मतलब थोड़ा बहुत पछाने लायक बात तो बोलो भाई। हाँ, सो वेरी मिसफॉर्च्यून। और लोग उनका ध्यान कर रहे हैं, उनका कुछ मंत्र बना लिया उन्होंने, अपना खुद का मनगढ़ंत, अपनी खुद की मनगढ़ंत उनकी साधना पद्धति है। तो शास्त्रों ने बोला है ये क्या है, किसी ने भगवान को क्या बना दिया, नारायण को दरिद्र बना दिया, किसी ने नारायण के ऊपर एक और स्वामी को लगा दिया, बोलो ये नारायण का भी स्वामी है साहब। तो ये सब पाषंडी लोग हैं कलयुग में, और ये लोग ज्यादा फ्लरिश होंगे। तो ऐसे नहीं, कृष्ण उनके बारे में एकेन मनसा विथ सिंगल पॉइंटेड अटेंशन, कहते यहां वहां डाइवर्ट करके नहीं। से लोग होता है ना कि लोगों को प्रभु जी ठीक है, सभी को मानना चाहिए, इस दिन गणेश जी को ही मानो, उस दिन दुर्गा जी को भी, उस दिन उनकी पूजा करो, उस दिन उनकी पूजा करो, करेक्ट। कृष्ण को भी मानो और लाइफ में बैलेंस रखो ना, भक्ति भी करो, पार्टी में भी जाओ, मूवी भी देखो, बैलेंस होना चाहिए लाइफ में, करेक्ट। क्या ये और कृष्ण भी चाहिए। तो कई बार लोग पूछते हैं, अरे हम कई बार हम लोग शुरू में टच में आते हैं और फिर हम बोलते हैं नहीं नहीं हमको अब पूर्णकालिक भक्त बनना है। बोले बेटा भक्ति तो हम भी तो कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, हम भी तो कृष्ण को मानते हैं, सब करो भाई, सब करिए, कृष्ण भी चाहिए। तो फर्क क्या है, हरे कृष्ण आंदोलन जो भक्ति सिखाता है और जो बाहर की दुनिया में लोग भक्ति करते हैं वो है, बाहर की दुनिया में भक्ति है, कृष्ण भी, मतलब सब चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, और कृष्ण भी चाहिए। और जो हरे कृष्ण आंदोलन भक्ति सिखाता है, जो शास्त्र कहते हैं, वो है कृष्ण ही, और कुछ मिले नहीं मिले लेकिन कृष्ण ही चाहिए, बाकी और मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, करेक्ट। ठीक, रुपया पैसा, वाइफ, चिल्ड्रन, मकान, कार, बंगला, अगर मिल जाए तो ठीक, बाहर ऐसा नहीं, अरे कैसे तो ठीक, ये तो मिलना ही है, बाकी भगवान भी चाहिए, करेक्ट ना, कृष्ण भी। और शुद्ध भक्ति क्या है, ये सब मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, लेकिन कृष्ण ही। तो आप सोचिए अपने मन में मेरा भाव क्या है अभी, कृष्ण भी या कृष्ण ही। शुद्ध भक्ति है, शुद्धता का पैमाना है, अभी तक मैं कृष्ण भी तक टिका हुआ हूं कि मैं कृष्ण ही की तरफ आगे बढ़ रहा हूं, ये फर्क है। जब हम एक शुद्ध भक्त का आश्रय लेकर दीक्षित होकर जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर इस प्रकार का एकेन मनसा इंटेंस सिंगल पॉइंटेड लेजर शार्प फोकस होता है हमारे अंदर, कि हमें हमारे गुरु ने क्या दिया है, उन्होंने हमें गोल दिया है कि हमें शुद्ध भक्त बनना है, हमें इसी जन्म में कहां जाना है, भगवत धाम जाना है, उसके लिए एकेन मनसा एकाग्र चित्त को क्या करना, श्रोतव्य भगवान के बारे में सुनना, भगवान का नाम सुनना, कीर्तितव्य भगवान का गुणगान करना, उनकी कथा को सुनना सुनाना, ध्येय भगवान का ध्यान करना,
और पूज्या भगवान की पूजा करना एकाग्र चित्त होकर, इसे बोलते हैं सीरियसनेस। भक्ति में गंभीर होना बहुत जरूरी है, भक्ति टाइम पास नहीं है। प्रभु जी वो क्या थोड़ा मूड ऑफ था ना 7 दिनों से, थोड़ा सा एक दिन मंदिर आ जाते हैं थोड़ा सा मूड खुश हो जाता है थोड़ा ना, लोग इसलिए मंदिर आते हैं। करे बोले चलो कहाँ चले भाई, बोले बोलो हरे कृष्णा मंदिर बड़ा अच्छा है, अच्छे गार्डन है और खाने पीने के लिए भी फूड कोर्ट भी है, समोसा भी मिल जाएगा और ढोकला ही मिल जाएगा, बूंदिया जलेबी मिल जाएगी और गर्म दूध ही मिलता है सर्दियों में तो, और आइसक्रीम पार्लर भी है। हाँ मंदिर तो है ही, दर्शन तो कर ही लेंगे, खैर वो तो हो ही जाएगा अपने आप। बोले परेशान हो गए मॉल मूवी जाके यार डेली डेली, आज थोड़ा चेंज करते हैं। करेक्ट, आपको क्या लगता है लोग मंदिर आते हैं क्रिकेट का बैट लेके, फुटबॉल लेके, बैडमिंटन लेके लोग मंदिर आते हैं? आउटिंग करने आते हैं। हाँ वो तो हम जैसे भक्त लोग पकड़ लेते हैं उनको थोड़ा कि भाई आओ तुम मंदिर आयो, समझो मंदिर क्यों आए हो, कोई सेंस नहीं, सीरियस नहीं है लोग, क्योंकि लोग आध्यात्मिकता को सोचते हैं अपेंडिक्स। जो भक्ति है आध्यात्मिक है, हाँ आध्यात्मिकता जो है स्पिरिचुअलिटी, उसकी वैल्यू क्या है? अपेंडिक्स। जैसे हमारे शरीर में एक ऑर्गन है अपेंडिक्स, डॉक्टर कहता है ठीक है तो ठीक और नहीं है तो भी ठीक, यस और नो। इसी भागवत के पीछे आप पाएंगे, गीता के पीछे 2 पेज की अपेंडिक्स है, शायद ही आपने हमने किसी ने पढ़ा हो आज तक, करेक्ट ना? वो 2 पेज है तो ठीक और नहीं है तो ठीक। बस आध्यात्मिक जीवन की वही वैल्यू है हमारी लाइफ में, है तो ठीक नहीं है तो भी ठीक। अभी तो सबसे पहले कोई भी चीज आती है सबसे पहले क्या शिफ्ट करते हैं हम, बोले बहुत काम है, ये भी करना है, वो भी करना है, अरे क्या करें। बोले माला बहुत समय खाती है यार, ये कम करो माला, 16 माला जाते 2 घंटे का जाती है, 8 ही बहुत है ना। अब भगवान ने तो बोला है कि मेरे को तो 5 मिनट ही याद कर लो, भगवान तो भाव के भूखे हैं थोड़े भगवान ने। हाँ हाँ ये वैसे ही इन लोगों ने हरे कृष्णा ऐसे ही, कुछ नहीं होता है इससे। बोले एक काम करो ये माला समय निकालो, करेक्ट ना? हाँ दिमाग में सबसे पहले क्या शिफ्ट करते हैं हम, हाँ सबसे पहले हम माला को शिफ्ट करते हैं। अपने भौतिक जीवन में जो भी चीजें हैं वो अच्छे से चलें, इसके लिए हम क्या एडजस्ट करते हैं, हम भक्ति को एडजस्ट करते हैं। शास्त्र कहते हैं नहीं, हमारी भक्ति अच्छे से चले उसके लिए पूरा भौतिक जीवन अब एडजस्ट करिए। इसे बोलते हैं सीरियसनेस, गंभीरता। आप एग्जाम्पल गंभीर किसे बोलते हैं, बहुत से एग्जाम्पल आता है। जैसे अभी एक स्टूडेंट है और वो एलन कोचिंग में आईआईटी जेई क्रैक करने की तैयारी कर रहा है, वो रैंक होल्डर है, उसको ऑल इंडिया रैंक टॉप 10 ही चाहिए, उसको आईआईटी पवई मुंबई कंप्यूटर साइंस चाहिए, करेक्ट? आप उस स्टूडेंट को कैसे पाएंगे? डिस्ट्रैक्टेड, कभी मूवी देख रहा है, कभी कहीं घूमने जा रहा है, ऐसे पाएंगे? कैसे पाएंगे आप उसको? एकेन मनसा, यस और नो? इंटेंस सिंगल पॉइंटेड फोकस्ड है कि नहीं? क्या वो एक भी दिन कोचिंग छोड़ेगा? मैंने एक इंटरव्यू सुना था एक 2021, उसमें जिसकी फर्स्ट रैंक आई थी आईआईटी जेई में, उसने बोला मैंने 4 साल में एक भी दिन कोचिंग नहीं छोड़ी है, 4 साल में मैं एक भी शादी में नहीं गया, एक भी पार्टी में नहीं गया, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोलेंगे, तो ही गॉट ऑल इंडिया रैंक नंबर 1। हम 10 बार सोचते हैं अरे अगर उसकी शादी में नहीं जाएंगे आज मंदिर जाएं कि वहां जाएं, पर मंदिर जाते ही रहते हैं, भगवान माफ करिएगा आज है ना, थोड़ा सा वहां जाना जरूरी है। देखिए लोग जो हैं इस दुनिया में, मजी मैं समझा रहा हूं, सीरियसनेस किसे बोलते हैं, गंभीरता किसे बोलते हैं, लोग मंडेन मामूली मामूली एम्स को अचीव करने के लिए लोग कितने सीरियस होते हैं,
है कि नहीं? वो लड़का, वो यंग मैन है, अरे क्या कितने डिस्ट्रैक्शन है उसके लिए। बोला ना 9th 10th 11th 12th 4 साल मैं कहीं नहीं गया, एक भी दिन मैंने कोचिंग नहीं छोड़ी है, एक भी दिन मैंने आज के असाइनमेंट को कल नहीं छोड़ा। हम कर लेते नहीं, ठीक है माला, अरे बहुत हो गई यार, 10 हो गई ना, कल 6 कर लेंगे, चलो भगवान से माफ। देखिए कितना सीरियस है वो। जिस व्यक्ति को ओलंपिक में गोल्ड चाहिए होता है, आई हर्ड वन इंटरव्यू ऑफ अनदर ओलंपिक जिसको, हाँ वो बोला सर मैं 4 साल लगातार, क्योंकि ओलंपिक 4 साल में होता है ना, लगातार सुबह के 4 बजे मैंने बिना एक दिन छोड़े रिपोर्ट किया है फील्ड पे, बिना एक दिन छोड़े मैंने फील्ड पे रिपोर्ट किया है, क्योंकि मेरे कोच ने मुझे बोला कि तुम्हें होना पड़ेगा। 4 साल मैंने मेरे मन का खाना नहीं खाया है, जो कोच ने दिया ना वही खाया है। चाहे बीवी नाराज हो, चाहे बच्चे नाराज हो, बोले तुम शादी पार्टी में नहीं जाते हो, खाते नहीं हो, ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो, तब जाके छुटकू सा गोल्ड मिलता है। करे तो लोग इतना त्याग कर देते हैं ये मामूली मामूली चीजों को पाने के लिए, और हमको क्या चाहिए, हमको कृष्ण प्रेम चाहिए। करेक्ट, सुबह के 4 बजे रजाई में सो के करेक्ट आए दिनों हमारी भक्ति ऊपर नीचे जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब गंभीरता। इसलिए बहुत अच्छा एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, हाँ श्रीमद श्री चैतन्य चरितामृत में, कि सद्धर्मस्य बबोधाय येषां निर्बन्धिनी मति, सद्धर्मस्य अवबोधाय, जिनके अंदर क्या है, अचिरादेव सर्वार्था सिद्ध्यन्ति येषां अभीष्टः, सद्धर्मस्य अवबोधाय येषां निर्बन्धिनी मतिः, निर्बन्धिनी मतिः, अनफ्लिंचिंग इंटेलिजेंस। जैसे उस लड़के को आईआईटी में टॉप 5 में टॉप 10 में आना है, आप कुछ भी कन्विंस कर लो, है कि नहीं, वो डिविएट होगा नहीं होगा। इसको ओलंपिक में गोल्ड चाहिए, आप कुछ भी कन्विंस कर लो, उसकी वाइफ भी बोले ना मैं छोड़ गया जा। अब्दुल कलाम से किसी ने पूछा आपने शादी क्यों नहीं की, बोले टाइम ही नहीं मिला। करेक्ट ना। देखो आप लोग जो हैं भौतिक दुनिया की चीजों के लिए इतने सीरियस हैं कि भूल जाते हैं गटिंग और चीजों को। हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं हो चाहिए, करेक्ट, एक पॉलिटिकल फील्ड में करियर बनाने के लिए कितना सेक्रीफाइस किया है, करेक्ट, उनका ही परिवार है, मैरिड पर्सन है, लेकिन छोड़ दिया उस चीज को। वेरी इंपॉर्टेंट, निर्बंधनी मति, अनफ्लिंचिंग इंटेलिजेंस। हाँ ये चैतन्य चरितामृत बोलती है, दोज़ हू आर एंग्शियस टू अवेकन देयर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, जिन्हें क्या चाहिए, जिन्हें कृष्ण भावना को जागृत करना है। यानी हम सभी लोग यही तो कर रहे हैं, तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए, अनफ्लिंचिंग। हमारी मति कैसी होनी चाहिए, स्थिर मति, गंभीरता होनी चाहिए हमारे अंदर, नॉट डिविएटेड। ये नहीं आए दिनों यहां वहां भटक गए फिर दोबारा भक्ति में आ गए, नो। श्रील प्रभुपाद जी एक बार लेक्चर ले रहे हैं न्यूयॉर्क में 1966, मतलब बहुत नए नए भक्त हैं, सोचिए आप, 1 साल पुराने अमेरिकन लड़के लड़कियां हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, द ओनली थिंग इज दैट वन शुड बी वेरी सीरियस। आप इस सीरियस वर्ड को काउंट करिएगा इसमें कितनी बार आया है, द ओनली थिंग इज दैट वन शुड बी वेरी सीरियस। केवल एक बात क्या चाहिए हमें, क्या होना है, बहुत गंभीर होना है भक्ति के लिए, करें
कैजुअल नहीं होना है, बिकॉज ऐसे हम मजाक में बोलते हैं कैजुअल डिवोटी इक्वल टू कैजुअलिटी, समझाया? भक्ति में हम डिवोटी बनने का प्रयास करते हैं ना, सो कैजुअल डिवोटी इज इक्वल टू कैजुअलिटी, बिठा लीजिए आप ये। वी कैन नॉट बी कैजुअल, आप कैजुअल बने माया निकल जाएगी, चबाती नहीं है माया, अजगर की तरह है, बिना चबाए निकल जाती है। कितने ही लोग हैं, एक व्यक्ति ने मुझे बोला प्रभु जी मैं हर एक साल में करता हूँ एवेल्युएशन, पता नहीं पुराने चेहरे तो कहाँ चले जाते हैं, नए नए चेहरे ही दिखते हैं हमको तो। बिल्कुल आसान नहीं है, भक्ति में आना ही कठिन है पहली बात, उससे अधिक कठिन है टिके रहना, और उससे भी अधिक कठिन है प्रोग्रेस करना, कोई टिक भी सकता है, और उससे भी अधिक कठिन है प्रचार करना। तो जो व्यक्ति प्रोग्रेस प्रचार में लगे हैं वो लोग ऑर्डिनरी नहीं है, इस पूरी भौतिक माया शक्ति के अगेंस्ट में जाके वो लोग क्या कर रहे हैं, ये कार्य कर रहे हैं। बहुत आध्यात्मिक शक्ति चाहिए, और क्या चाहिए उसके लिए, सीरियस गंभीर होना होगा हमको, ऐसे नहीं चलेगा वैसे गेटिंग सम गुडी गुडी थिंग्स आर गोइंग ऑन ओके नो। द पर्पोट ऑफ दिस वर्स, क्योंकि अच्छी बात ये है प्रभुपाद जी जो मैंने आपको श्लोक सुनाया ना चैतन्य चरितामृत में, ये श्लोक जो है ये मध्य लीला में आता है, 20वें अध्याय का 106 नंबर का श्लोक है मध्य लीला का, उसे प्रभुपाद जी क्लास दे रहे हैं। हाँ तो कौन सा श्लोक, सद्धर्म शब बोधाय येषां निर्बंधिनी मति। निर्बंधिनी मति मीन्स ही हैज ऑलरेडी डिटरमाइंड, क्या हमारा निश्चय होना चाहिए, इन दिस लाइफ आई शैल मेक माई लाइफ परफेक्ट, इसी एक जीवन में मुझे अपने जीवन को क्या करना है, परफेक्ट बनाना है, पूर्ण बनाना है। जब तक ये निश्चय नहीं होगा ना, जैसे वो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, वो सोचता है ठीक है अब अगर निकल जाएगा ये ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम तो चले जाएंगे IIT में, नहीं निकलेगा तो NIT मिल जाएगा, नहीं निकलेगा तो कोई प्राइवेट सिंपल कॉलेज ले लेंगे, और कुछ नहीं निकलेगा तो कोई डिप्लोमा कर लेंगे, करेक्ट, और कुछ नहीं निकलेगा तो ठीक है अपने पिताजी का कुछ बिजनेस संभाल लेंगे, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, करेक्ट। सीरियस जो लोग गंभीर होते हैं अपने गोल के लिए, डिटरमाइंड होते हैं, निश्चय होता है, उन्हें क्या मिलता है, उन्हें ही गोल मिलता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये डिटरमिनेशन होना चाहिए हमारा, निश्चय होना चाहिए हमारे अंदर, दृढ़ता होनी चाहिए, इन दिस लाइफ आई शैल मेक माय लाइफ परफेक्ट, देन फॉर हिम परफेक्शन इज गारंटीड, उसके लिए जो पूर्णता है सफलता है वो गारंटी है। और यदि व्यक्ति सोचता है इफ ही थिंक्स ओ लेट मी ट्राई लेट मी टेस्ट ऑल्सो दिस डिपार्टमेंट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस एट द सेम टाइम टेस्ट अदर डिपार्टमेंट्स, थोड़ी भक्ति थोड़ी माया, अरे अभी दोनों चलना चाहिए ना, बैलेंस लो भारी कहते हैं भाई, बैलेंस रहो भाई, क्या ये तुमने कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा यहाँ नहीं खाऊंगा वहां नहीं जाऊंगा गाना नहीं सुनूंगा मूवी नहीं देखूंगा, अरे कम ऑन भाई, फ्राइडे को मूवी भी जाओ फर्स्ट डे फर्स्ट शो, संडे को मंदिर भी जाओ, ये लोग करते हैं ना बाहर। नो प्रभुपाद जी कहते हैं नो, वन शुड बी, देखिए मैंने काउंट करिए कितनी बार सीरियस वर्ड है, वन शुड बी वेरी मच सीरियस टू मेक कंप्लीट परफेक्शन इन दिस लाइफ। बहुत जीवन निकल चुका है, आप में से एक दो को छोड़ के सब लोग मुझसे वरिष्ठ हैं उम्र में, जिसकी जो भी व्यक्ति जिसने अपना कैसे तो पता नहीं है कब डेथ हो जाए, करेक्ट, कोई मृत्यु का कोई फिक्स थोड़े ही है कि वो जो व्यक्ति ने 80 साल उम्र क्रॉस कर ली उसी को होना है, बट फिर भी अगर हम थ्योरेटिकली मान के चलें सपोज कि भाई चलो हम 75-80 के बीच तक जिएंगे, कितना सा समय बचा है, काउंट करना चाहिए। चाणक्य पंडित कहते हैं स्मरा अनित्यम नित्यदा, एक बुद्धिमान व्यक्ति को ये
हमेशा स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए कि मैं यहां पर क्या हूं, अनित्य हूं, मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है। तभी जाकर क्या होगा उसके अंदर, उसके अंदर गंभीरता आएगी। हम सोचते नहीं है, इसलिए कॉन्शियसली दिन में हमको क्या करना चाहिए, कम से कम एक दो बार ये बिल्कुल कॉन्शियसली सोचना चाहिए, डेथ होगी, मैं नहीं रहूंगा, एक दिन मैं यहां पे लेटा होऊंगा फ्लैट, मृत्यु आने ही वाली है, जल्दी जल्दी मैं नहीं रहूंगा। बोलिए अपने आप को, नहीं बोलेंगे तो मन बोलेगा तुम हमेशा रहोगे भाई, प्लान बनाओ परमानेंट रहने का, यहां पे क्या करो, और प्रॉपर्टी ले लो, अभी तो और प्रॉपर्टी बिजनेस बना लो एक और क्या करें, बोले संडे को मंदिर मत जाओ, उसकी जगह कुछ अपन ये खोल लेते हैं फूड कोर्ट का, अच्छी पब्लिक आती है, क्या होगा मंदिर जाने से। हाँ इफेक्ट है ये, हम सोचते नहीं है ना, हम यहाँ हम टेम्पररी हैं। अगर सब लोग सोचते हॉल भरा हुआ होता ना आज, सोचते नहीं हम लोग, सब परमानेंट सेटलमेंट का प्रयास कर रहे हैं, यही तो माया है भगवान की। हाँ वन शुड बी वेरी मच सीरियस, प्रभुपाद जी, सो ए मैन शुड बी सीरियस लाइक सनातन गोस्वामी, एंड फॉर दैट पर्पज ही सेक्रीफाइस्ड एवरीथिंग, ही बिकेम ए बैगर। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, बंगाल उस जमाने में, बंगाल ये वाला बंगाल नहीं, आज कंगाल है, चुटकू सा मतलब, ये वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल, बांग्लादेश, इवन उसके आसपास का भी एरिया, बहुत बड़ा जो प्रोविंस था वो बंगाल था, उसके क्या थे वो प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इतनी बड़ी उनकी पोजीशन थी, छोड़ दिया, बिकेम ए बैगर, मतलब गंभीरता बोलते हैं, भक्ति करने के लिए कुछ भी लेना पड़े मैं लेने के लिए रेडी हूं, स्वीकार करने के लिए रेडी हूं, और कुछ भी छोड़ना पड़े उसके लिए भी मैं रेडी हूं। कृष्ण प्रेम चाहिए ना, अरे इस दुनिया के प्रेम के लिए लोग गाने बना देते हैं, करे अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, अरे भाई ये इतनी सी ये चमकती चमड़ी की भी जमाना क्यों छोड़ता है, करेक्ट, अरे रूप देख मत उलझ रे बंदे, ये सब माया जाल, और सुंदर चिकने चांद के भीतर नरकंकाल, लेकिन ऐसी चमचमाई चमड़ी है उसके आदमी को लगता है जमाना छोड़ देंगे हम, हाँ तुम्हें पाकर जमाने भर से रिश्ता तोड़ दे, अरे भाई इतनी स्पिरिट है हमारे अंदर, समझिए हमारे अंदर ये भाव है त्याग करने का, बट गलत आदमी पीछे कर बैठते हैं, करे बहुत से लोग आप में से बहुत पछता भी रहे होंगे, करे कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु जी अब तो लेट कांटेक्ट में आए, प्रभु जी जल्दी आ जाते तो हमारा सौभाग्य रहा, नहीं तो हम भी बीटेक पश्चिम हम भी यही गाना गाते थे, लेकिन किसी साधु ने पकड़ लिया, बोले भाई ये गाना गाओ लेकिन सही आदमी के लिए गाओ, जमाना तो छोड़ना ही है लेकिन सही आदमी के लिए छोड़ो, तो स्पिरिट है हमारे अंदर, सब समझिए आप, करेक्ट, इस दुनिया को बुलाने की, इस जमाने को छोड़ने का भाव तो हमारे अंदर है ही, बट गलत आदमी के लिए बोलते हैं, बाद में पता लगता है कि भाई ये तो ये तो असली नोट पाने के चक्कर नकली नोट मिल गया ये तो यार, करेक्ट ना, तो समझिए हाँ वो सब छोड़ दिया सनातन गोस्वामी, देखिए हिबिके में बैगर, सो वी शुड बी प्रिपेयर टू सेक्रीफाइस एनीथिंग फॉर परफेक्शन ऑफ दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। इसलिए भक्ति में त्याग तपस्या बहुत जरूरी है। इस क्रिएशन का, इस सृष्टि का जो पहला शब्द है वो क्या है, तप, तपहा, तपहा, भगवान नारायण ने भी हाँ जो ब्रह्मा जी हैं उनको क्या सुनाया पहला शब्द, तपस्या, तपस्या बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं हाँ भक्ति भी चल रहा है बाकी सब, बिल्कुल त्याग तपस्या, त्याग करना ही होगा। अगर हम सोचते हैं भक्ति में आए कुछ त्यागना नहीं पड़े तो देन ये मिस्टेक है हमारी।
द परफेक्शन इज गारंटीड, सिंपली वी शुड बी वेरी सीरियस, दैट्स ऑल। कितनी बार आया सीरियस वर्ड? करीब 4 बार आया है। देखिए आप, बहुत हमको गंभीर होना है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दी, लोग सीरियस हैं, करेक्ट। कुछ लोग कहते हैं प्रभु जी आपने, वो लोग हमसे जनरली बोले आपके माता पिता ने कैसे स्वीकार कर लिया, आप लोग भक्त बन गए तो, और आपने सोचा नहीं उनके बारे में। देखिए वो बोलते हैं ना कि लड़ाई और प्यार में सब जायज है, करेक्ट। एवरीथिंग इज वैलिड इन लव एंड फाइट वॉर। तो दुनिया में मैंने बोला देखो भाई, इस दुनिया में अभी तुम परिवार की बात कर रहे हो, एक लड़के को लड़की से प्यार हो जाए, घर वाले मना कर दे और शादी नहीं करवाएंगे, तो मैंने बोला क्या करते हैं वो लोग, 90% क्या केस होता है, उन्हें जमाना छोड़ देते हैं ना, छोड़ते नहीं छोड़ते हैं। तो मैंने बोला भाई वो चिकनी चमड़ी के प्यार के पीछे इतना उसमें शक्ति है, तो ये तो इटर्नल शाश्वत लव है आत्मा का भगवान से। तो व्यक्ति वहां नहीं सोचता है और उसको आप बुराई भी नहीं करते हो, आप कहते तो नहीं साहब ये तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम, एक्सेप्ट। पूरा बॉलीवुड 60 साल से हमको ऐसे उल्लू बना रहा है इन चीजों पे, ये नहीं है, और हम भी ताली बजा रहे हैं 500 का नोट देके देख देख के, बिल्कुल मजा आ गया साहब, मजा आ गया। हाँ करेक्ट, बोले देखो कितनी बढ़िया मूवी बनाई है, एंड में आखिर ये डायलॉग बोलना पड़ा उसको कि जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, करेक्ट। देखो ऐसे बोलते हैं प्यार। हाँ तो क्या, तो वहां अप्रिशिएट करते हो, अरे सुपर हिट मूवी है, वाह 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 वाह। मैंने बोला ये असली मूवी तो ये है भगवान के लिए, वो माने तो बहुत खुशी की बात, तो अरेंज मैरिज हो गई, बोले बेटा जाओ भक्ति कर लो, और नहीं माने तो कोई बात नहीं, उनको तो बोलना ही पड़ेगा जा बेटा जा। अरे तो हमारे अंदर सीरियसनेस होनी चाहिए, गंभीरता, वेरी इंपॉर्टेंट। सो तस्माद एकेन मनसा, ये है क्या एकेन मनसा। हाँ श्रील प्रभुपाद जी यही समझा रहे हैं हमको बहुत अच्छे अच्छे। हाँ तत्र लौल्यम एकलम मूल्यम, वन शुड बी वेरी सीरियसली ईगर, उत्सुकता होनी चाहिए, दिस ग्रीडीनेस रिक्वायर्ड, ये लोभ होना चाहिए। जैसे एक लोभी बिजनेसमैन है, करेक्ट, गुजरात फेमस है बिजनेस के लिए, करेक्ट। हाँ तो वो क्या होगा, उसको बहुत रुपया कमाना है, बहुत रुपया कमाना है उसको, उसको कितनी ग्रीड होती है उसके लिए, है कि नहीं, और रुपया मिल जाए और कैसे कमा लें। तो जैसे एक लोभी व्यक्ति को किसकी ग्रीड होती है, रुपया कमाने की ज्यादा से ज्यादा, वैसे ही एक भक्त को भी क्या करने की ग्रीड होनी चाहिए। हाँ ऐसे वो जो है जो लोभी आदमी है वो ये कमा रहा है, करेक्ट, अब भक्त को ये कमाना है नाम धन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्रिंसिपल वही है, कोई अलग प्रिंसिपल नहीं है। जो हम जो जिन चीजों को इस दुनिया में लगा रहे हैं उनको भक्ति में लगाइए आप, टेंडेंसी आत्मा के अंदर है, ये लोभ करने की टेंडेंसी है, आसक्त होने की टेंडेंसी है, अटैच होने की टेंडेंसी है, त्याग करने की टेंडेंसी है, बिल्कुल है ना। बस अब तक गलत जगह लगाया है, सही जगह लगाइए, उसे बोलते हैं गंभीरता। तो बहुत कुछ है चर्चा करने के लिए इस पे, तो हम घंटों घंटों चर्चा कर सकते हैं श्लोक के ऊपर, और नट्स चलें बताएं तो सिंपल, हमें गंभीर होना होगा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। हाँ हमें सीरियस होना होगा। हाँ और क्या करना होगा भगवान के बारे में, और वो गंभीरता कहाँ से आएगी, वो गंभीरता आएगी जब आप गंभीर भक्तों का संग लेंगे, उनसे सुनेंगे जो खुद गंभीर हैं, इन्होंने डिसाइड कर लिया है कुछ भी हो जाए हमें ये भक्ति तो चाहिए ही चाहिए, कृष्ण ही बस, कुछ भी हो जाए। तो ऐसे भक्तों का संग लेंगे ना तो उनका चार्ज हमारे अंदर भी आ जाएगा, और ऐसे लोगों का संग लेंगे
अब मंदिर आए और फिर कुछ बात कर रहे हैं, हाँ जी साहब बेटा क्या करता है, ओहो बेटी क्या करती है, ये वो, ये क्या होता है, वो क्या होता है, जो कृष्ण के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। इसलिए कई बार लोग मंदिर आगे करते हैं, होना चाहिए बोधियंता परस्परम। जो साइंटिस्ट लोग आपस में मिलते हैं तो वो क्या बातें करेंगे, वो फैमिली की बात करते हैं क्या, साइंटिफिक क्या रिसर्च चल रहा है, क्या चल रहा है। बिजनेस लोग मैन लोग आपस में मिलेंगे क्या बातें करेंगे, बिजनेस के बारे में। वैसे हम लोग मंदिर में मिलते हैं, हमें चर्चा करनी चाहिए, ये सारी चर्चा करनी चाहिए आपस में, क्या करें कैसे करें, मेरा जब अभी लोकल ट्रेन जैसा हो गया है, हाँ उसको राजधानी कैसे बनाएं, यस और नो। ये भक्ति हमारी स्टार्ट होती है राजधानी ट्रेन की तरह और एंड में क्या बन जाती है, पैसेंजर ट्रेन, हर स्टेशन रुक जाती है। तो ये चर्चा करनी चाहिए, कैसे कैसे भक्ति को तीव्र बनाएं हम, इस प्रकार की चर्चाएं करना, ना कि इसको भी एक हम सोशल गैदरिंग बना दें, नो। तो फिर आप देखिए कैसे हमारे अंदर एक एक वो भाव स्पिरिट रहेगी कि हमें भी बहुत गंभीर भक्त बनना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, हाँ सभी ने इतना थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंद, हरे हरे।